दिल्ली में हवा का जो मॉडल है वहां पर लोग सांस मांग रहे हैं, और त्रासदी है कि ऐसी परिस्थिति में एक विरोधाभास भी है कि किस तरीके से यहां पर फ्री बिजली भत्ता और साथ ही दिल्ली को कूड़ा फ्री करने के वादे भी किए जा रहे हैं। गुजरात में चुनावों का ऐलान एक दिन पहले हो गया था और अब दिल्ली के एमसीडी चुनावों का ऐलान आज कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल के सामने बड़े पशुपेश की स्थिति होगी कि वो कहां पर प्रचार करें, किन चुनावों को अहमियत दें। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की भी तारीख आ गई, 4 दिसंबर को मतदान दिल्ली में होगा। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है जिसके सामने आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दिल्ली एमसीडी में 15 साल से बीजेपी सत्ताधारी, यहाँ पर भी 8 साल से विधानसभा चुनाव जीत रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी एमसीडी का चुनाव कभी नहीं जीती। गुजरात के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, दिल्ली एमसीडी के नतीजे 7 दिसंबर को। अब चुनौतियों का चक्रव्यूह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने है। केजरीवाल और उनकी पार्टी को साबरमती से लेकर यमुना के किनारे तक चुनावी नाव एक साथ चलानी होगी। 182 विधानसभा सीटें एक तरफ और दूसरी तरफ दिल्ली के एमसीडी के 250 वार्ड की वार। जनता चुनाव लड़ेगी, आप देखिएगा, दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी। इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल से के कुशासन से दुखी है, उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल कुशासन से दुखी है। बीजेपी पूरी तरह से जिस प्रकार से देश में कमल खिल रहा है उसी तरह से एमसीडी में भी कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसकी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। अब तक आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी और सीबीआई की तरफ से पूछताछ के बुलावे पर ही आरोप लगाती थी कि देखो देखो गुजरात में प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ये सब करा रही है। अब एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इसमें संयोग और प्रयोग का सवाल उठाते हुए केजरीवाल की पार्टी के नेता लिखते हैं कि बीजेपी को गुजरात में खतरा है, इसलिए गुजरात के नतीजे से पहले दिल्ली में एमसीडी चुनाव करा रही है। जो तारीखें अनाउंस हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के डर को, उनके अंदर के भय को एक्सपोज करती हैं। न तो वो गुजरात में कॉन्फिडेंट है न दिल्ली में कॉन्फिडेंट है। ये जो तारीखें जिस हिसाब से अरेंज की गई हैं, 1 तारीख वहां पे पहले चरण का, फिर 5 दूसरे का, बीच में 4 तारीख उसके रिजल्ट से पहले ये वाला रिजल्ट, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के भय को दुनिया के सामने रखता है। हम सुशासन को लेकर लोगों के पास पहुंचेंगे। ये जो फ्रीबीज को लेकर इन्होंने कुछ वोट जीतने के लिए कोशिश किए हैं, अभी लोगों को पता चल रहा है कि फ्रीबीज लेकर श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये तारीखें मनाई गई हैं और भारतीय जनता पार्टी नर्वस है गुजरात के रिजल्ट्स को लेके, इसलिए गुजरात के रिजल्ट आने से पहले एमसीडी के चुनाव कराए जा रहे हैं और एमसीडी के रिजल्ट आने से पहले गुजरात के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। मतलब वो दोनों ही मामलों में कॉन्फिडेंट नहीं है। यही केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि जिसको फ्री बिजली चाहिए अपने बिल पर फोटो लगाकर भेजा था, मुझे मिस कॉल कर दें। और यही केजरीवाल है 4 दिन बाद कहता है बीजेपी लोगों की सब्सिडी रोकना चाहती है, बिजली की हम रोकने वाले नहीं है। कंट्राडिक्शन है उस आदमी की। तो उनके रोज स्टेटमेंट बदलते हैं तो एक ना एक दिन हर आदमी की समझ में आ जाता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी क्या होती है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के पास बीजेपी पर सवाल उठाते पहुंचे तो कहा था कि वो जादूगर है। जादूगर हूं मैं, जादूगर दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। अब वोटर का दिल अगर केजरीवाल जीतना चाहते तो वाकई जादूगर बनना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने गुजरात का विधानसभा चुनाव और साथ दिल्ली का एमसीडी चुनाव एक साथ लड़ना ही चुनौती नहीं बल्कि गुजरात की जनता को दिल्ली का मॉडल दिखाकर वोट मांगते। अरविंद केजरीवाल के दावों पर दिल्ली की हवा में जानलेवा प्रदूषण का मॉडल भी सवाल उठाने लगा है।